समाचार पत्र का संघर्ष फिर पहुंचा विजय के अंजाम तक। होमगार्ड विभाग में प्रमोशन को लेकर समाचार पत्र की मुहिम रंग लाई। समाचार पत्र की सच की लड़ाई के आगे होमगार्ड मंत्री भ्रमशंकर त्रिपाठी को झुकना पड़ा और होमगार्ड विभाग के अफसरों का संघर्ष भी बुलेटिन तक पहुंचा तो बड़ा असर हुआ। डीपीसी में योग्य होमगार्ड अधिकारियों का प्रमोशन हुआ जिसमें चार योग्य अधिकारियों में से दो का प्रमोशन हुआ, बाकी दो अधिकारियों का जल्द ही प्रमोशन होगा जिसमें रंजीत सिंह और एके पांडे को पदोन्नति मिली है। वही समाचार प्रेस का हक की लड़ाई में साथ देने के लिए सीएम अखिलेश ने शुक्रिया किया। आजमगढ़ पहुंचे सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने अपने संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ को 10 अरब की योजनाओं की सौगात दी। आजमगढ़ के लोग मुख्यमंत्री के वहां ना पहुंच पाने के कारण थोड़ा निराश जरूर लगे। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आजमगढ़ जाने के लिए लखनऊ एयरपोर्ट तक पहुंचे लेकिन अस्वस्थ होने के कारण वहां से वापस लौट आए। मुलायम सिंह यादव ने आजमगढ़ में 400 करोड़ की लागत से बनने वाले सठियाव चीनी मिल के साथ ही वहां घाघरा नदी पर बनने वाले पुल का शिलान्यास किया। सपा सुप्रीमो ने 20 लोहिया ग्रामीण सेवा बस के साथ 5 जनरल सेवा एसी बसों को हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही 1000 श्रमिकों को साइकिल और इतने ही लोगों को समाजवादी पेंशन के कार्ड बांटे गए। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव की मौजूदगी में मुलायम ने 516 छात्र छात्राओं को लैपटॉप बांटे। सपा सुप्रीमो ने इस अवसर पर 290 करोड़ की पूरी योजनाओं का लोकार्पण और 280 योजनाओं का शिलान्यास किया। यूपी सरकार के मंत्रियों पर सपा सुप्रीमो की नाराजगी को लेकर योगी आदित्यनाथ ने मुलायम सिंह पर चुटकी लेते हुए कहा कि मुलायम सिंह शुरू से ही प्रदेश सरकार के मंत्रियों को नखारता बताते रहे हैं। प्रदेश सरकार के मंत्री लूटपाट में व्यस्त हैं जिससे जनता को परेशानी हो रही है और योगी ने कहा कि मुलायम सिंह कभी कभी अच्छी बातें कह देते हैं क्योंकि उम्र ही ऐसी है, कभी कभी सच ही बोल देते हैं। गंगा सफाई अभियान के बाद यूपी सरकार ने गोमती स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। सूबे के मुख्य सचिव आलोक रंजन ने बटन दबाकर गोमती बैराज के द्वार को खोलकर अभियान का शुभारंभ किया। आलोक रंजन ने गोमती नदी को लंदन की थेम्स नदी की तर्ज पर विकसित किए जाने की योजना की जानकारी दी और गोमती नदी के दोनों किनारों पर सड़कों का निर्माण कराकर गोमती नदी को 2016 तक विश्व स्तरीय तरीके से विकसित किए जाने की बात कही। मुख्य सचिव ने यूपी सरकार के इस प्रोजेक्ट से जुड़ी कई अहम जानकारियां दी। कानपुर में स्वाइन फ्लू का एक मामला सामने आया है। यहां स्वाइन फ्लू से 2.5 साल की बच्चे की मौत को हो जाने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। बच्चे की मौत के बाद कानपुर सीएमओ के आदेश पर जिला संक्रामक रोग नियंत्रक डॉक्टरों की टीम मृतक परिवार के घर पहुंची और परिवार के सभी लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। डॉक्टरों ने एंटीबायोटिक प्रोफाइलिसिस दवा दी और सभी को अपने आसपास सफाई रखने के लिए कहा। स्वाइन फ्लू का शिकार हुई बच्ची की मां के मुताबिक बच्ची को लगभग 14 दिनों से जुकाम और खांसी के साथ बुखार आ रहा था। सही से ध्यान ना देने पर बच्ची की तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया लेकिन बच्ची को डॉक्टर बचा नहीं सके। बरेली में NH-24 पर दर्दनाक हादसा हुआ जहां एक ट्रक और कार की भीषण भिड़ंत हो गई। कार में सवार चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा घने कोहरे के चलते हुआ। बरेली में बितरी चैनपुर के NH-24 पर बड़ा बाईपास के पास कार सामने से आ रही ट्रक से टकरा गई। कार में सवार सभी लोग रामपुर के रहने वाले थे, कार से कानपुर जा रहे थे। हादसे में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मेरठ में झूठी शान की खातिर एक भाई ने अपनी बहन को मौत के घाट उतार दिया। भाई बहन रिश्ते को कलंकित करने वाला यह मामला मेरठ के थाना कंकरखेड़ा क्षेत्र के शोभापुर का है जहां कक्षा 11 में पढ़ने वाली भारती का प्रेम प्रसंग पास के ही एक युवक से चल रहा था। भारती के परिजनों ने उसे कई बार रोका लेकिन यह नहीं मानी। ये बात तो भारती के भाई अमित को नागवार गुजरी और उसने अपनी ही बहन की धारदार हथियार से बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया, हत्यारे भाई को गिरफ्तार कर लिया। रामपुर में कलयुगी पति ने संतान न होने पर पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने मृतक के पिता की तहरीर पर 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल आरोपी पति और अन्य नामजद फरार हैं। मामला जिला रामपुर के थाना पटवाई क्षेत्र के ग्राम एंजेरा का है जहां एक कलयुगी पति ने अपनी पत्नी की गला दबाकर बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी और फरार हो गया। कासम की शादी अब से करीब 4 साल पहले जनपद बरेली निवासी शरीफ खां की बेटी शाहिदा के साथ हुई थी। इन 4 साल में 3 बच्चे पैदा होने के बाद मर गए जिसके चलते पति कासम पत्नी शाहिदा से नाराज रहने लगा और आज उसने सभी हैवानियत की हदों को पार करते हुए पत्नी शाहिदा की गला दबाकर हत्या कर दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। कुशीनगर के खुशहाल रेलवे स्टेशन के पास एक मानव रहित क्रॉसिंग पर सप्त क्रांति एक्सप्रेस और मिट्टी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली के बीच भिड़ंत हो गई जिसमें ट्रैक्टर ट्रॉली के परखच्चे उड़ गए और ट्रैक्टर चालक की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रैक्टर के बाद रेल इंजन का डीजल फट गया जिससे इंजन का सारा तेल बह गया जिससे सप्त क्रांति एक्सप्रेस कई घंटे तक खड़ी रही। सप्त क्रांति के रेल लाइन पर खड़े होने से गोरखपुर नटकरियागंज रेलवे ट्रैक बाधित रहा। इस ट्रैक से गुजरने वाली ट्रेनों को कई स्टेशनों पर रोक दिया गया और मौके पर पुलिस और रेलवे के आला अधिकारी पहुंच गए। वहीं ट्रेन का दूसरा इंजन आने के बाद ही ट्रेन को रवाना किया गया।
मुजफ्फरनगर जिला कारागार में दंगे के मामले में बंद चल रहे जनपद शामली के गांव हसनपुर निवासी ब्रजपाल की संदिग्ध स्थितियों में मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद ब्रजपाल का शव जब गांव में पहुंचा तो मृतक के परिजनों ने उसके शव को मेरठ करनाल राजमार्ग पर रख जाम लगा दिया। ग्रामीणों की मांग थी कि मृतक के परिजनों को मुआवजा और एक परिजन को नौकरी मिले और पूरे मामले की मजिस्ट्रेटी जांच कराने की मांग की। मुजफ्फरनगर और शामली के प्रशासनिक आलाधिकारियों ने पहुंचकर ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की लेकिन ग्रामीण नहीं माने। बीजेपी नेता भी ग्रामीणों के समर्थन में उतर आए और ग्रामीणों ने जमकर हंगामा काटा। घंटों की मशक्कत और मुआवजे का आश्वासन देकर जाम को खुलवाया गया। झांसी रेल मंडल के उरई में तैनात रेलवे के अपृत सीनियर सेक्शन इंजीनियर को पुलिस 8 माह बाद भी बरामद नहीं कर सकी। अपृत इंजीनियर आदित्य प्रकाश के अपहरण की रिपोर्ट 15 मई को झांसी के नवाबाबाद थाने में दर्ज कराई गई थी। आदित्य विभागीय प्रशिक्षण के लिए मई में सिकंदराबाद गए थे और उन्हें 10 मई को वापस उरई लौटना था। समय पर घर न पहुंचने पर परिजनों ने मोबाइल पर संपर्क किया तो किसी अनजान व्यक्ति ने कॉल रिसीव किया था और बताया कि वो उनके साथ यहां झांसी में रुके हुए हैं। अगले दिन कोई संपर्क नहीं हो पाया जिसके बाद अपहरणकर्ताओं ने आदित्य प्रकाश के एक सहकर्मी को फोन कर इंजीनियर को छोड़ने के लिए 30 लाख रुपए की मांग की। कई बार बातचीत होने के बाद पूरा मामला 3 लाख रुपए में तय हुआ लेकिन बाद में अपहरणकर्ताओं ने फोन कर परिवार को बताया कि उन्होंने इंजीनियर की हत्या कर दी है। घटना के बाद पुलिस ने अपहरण का केस दर्ज कर लिया लेकिन अब तक इंजीनियर की बरामदगी नहीं हो सकी है। अपहृत इंजीनियर की पत्नी लगातार पुलिस अफसरों के चक्कर काट रही है। रायबरेली के ऊंचाहार के एनटीपीसी समूह महाप्रबंधक के पद पर तैनात राकेश सैमुअल पर विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष ने लोगों को प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि राकेश सैमुअल ने एनटीपीसी परिसर के अंदर चर्च बनाया है और भोले भाले लोगों को नौकरी का झांसा देकर उनका धर्म परिवर्तन करने का दबाव बना रहे हैं। वहीं बीजेपी नेताओं ने तो भारत सरकार ऊर्जा मंत्रालय को भी अवगत कराकर महाप्रबंधक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। दरअसल एनटीपीसी ऊंचाहार परिसर के अंदर साल 1995 में सामुदायिक विकास योजना के अंतर्गत ग्रामीण शिल्पकला प्रशिक्षण केंद्र का यह भवन बनवाया गया था। आरोप है कि महाप्रबंधक राकेश सैमुअल इस भवन को चर्च में तब्दील कर रहे हैं। वाराणसी के सराय गोवर्धन स्थित राधेश्याम यादव के घर किराए पर रहने वाली युवती पर मकान मालिक ने खौलता दूध फेंक दिया। दरअसल युवती चतुर्वेदी देर रात घर लौटी थी जिसके बाद दोनों में विवाद हो गया। विवाद बढ़ते ही मकान मालिक ने युवती पर खौलता दूध फेंक कर जला दिया। आगरा में एसएसपी ने एक अजीबो गरीब बयान दिया है। दरअसल मामला थाना ताजगंज इलाके का है जहां 3 दिन पहले समारोह में डीजे पर लोग डांस कर रहे थे। पुलिस ने लोगों को गिरफ्तार कर लिया जिसमें दूल्हा भी शामिल था। इसके बाद वर और वधु पक्ष के लोग दूल्हे को छुड़वाने के लिए प्रार्थना पक्ष लेकर एसएसपी से मिलने पहुंचे। कानपुर में लव जिहाद का मामला सामने आया है। नौबस्ता थाना क्षेत्र के उस्मानपुर इलाके का मामला है। पीड़ित युवती का कहना है कि 3 साल पहले मनमुन महमद अहमद नाम के व्यक्ति ने नाम और धर्म छुपाकर उसे प्यार किया और घर से भगा ले गया लेकिन जब उसे प्रेमी के धर्म का पता चला तो दोनों में झगड़ा हो गया। आरोपी ने युवती का धर्म परिवर्तन भी करा दिया। फिल्म पीके में आमिर खान ने लोगों को अंधविश्वास से निकालने के लिए कई शानदार उदाहरण दिए लेकिन उन्होंने जौनपुर का उदाहरण नहीं दिया जहां कुछ लोगों की आस्था ऐसी है कि ना डॉक्टर की जरूरत ना नर्स की और ना ही किसी ऑपरेशन थिएटर की। बस बाबा के दरबार में पहुंचो तो हर मर्ज का इलाज हो जाता है। इसे अंधविश्वास नहीं तो क्या कहेंगे क्योंकि बीमारी का इलाज किसी मंदिर मस्जिद में तो संभव है ही नहीं। बरेली में एक 5वीं की छात्रा को अगवा कर गैंगरेप का मामला सामने आया है। 5वीं क्लास की छात्रा को स्कूल जाते वक्त 4 लड़कों ने अगवा कर लिया और फिर कार में होटल में ले गए जहां उसके साथ 4 लड़कों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। कानपुर के थाना चकेरी क्षेत्र के श्याम नगर इलाके में समाजवादी पार्टी के पूर्व शिक्षा मंत्री अमरजीत सिंह के पेट्रोल पंप पर मामूली कारसूनी के बाद पेट्रोल पंप कर्मियों और दूसरे पक्ष के लोगों में जमकर मारपीट हुई। देखते हालत इतने बेकाबू हो गए कि पथराव और बमबाजी होने लगी। पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में मारपीट और पथराव और बमबाजी की तस्वीरें कैद हो गई। ग्रेटर नोएडा में सेक्टर में हुई चोरी मामले में चोरों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। दरअसल घर का मालिक बाहर गया हुआ था। वापस आने पर घर में चोरी की सूचना पाकर वो दंग रह गया। जब इस बात की सूचना वहां की सिक्योरिटी को दी गई तो सिक्योरिटी ने कुछ भी नहीं बताया। अदम्य साहस के लिए सेना का पहला परमवीर चक्र पाने वाले नायक जदुनाथा सिंह का बलिदान दिवस मनाया गया। मूल रूप से शाहजहांपुर के रहने वाले जदुनाथ सिंह के बलिदान दिवस पर एक खास कार्यक्रम आयोजित किया गया। फतेहपुर महोत्सव की शुरुआत हुई। जिले में साक्षर भारत योजना के तहत लोगों को शिक्षा के लिए जागरूक करने के मकसद से एक अनोखी पहल की शुरुआत की गई। ये पहल और भी अनोखी तब हो गई जब शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए विभाग ने गधे को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। सोनभद्र के रेणुकूट स्थित हिंडालको इंडस्ट्रीज की ओर से मजदूरों को मनमाने तरीके से निकाले जाने के विरोध में श्रमिकों का धरना जारी है। इस प्रदर्शन के दौरान 2 मजदूरों की बिगड़ती हालत को देखते हुए हिंडालको अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
बागपत में बेखौफ बदमाशों ने थाना बालौनी इलाके के सिंगावली बिजली घर पर करीब दर्जन भर हथियारबंद बदमाशों ने धावा बोल दिया। बदमाश करीब 8 लाख का स्क्रैप और बिजली के उपकरण लूट कर फरार हो गए। शाहजहांपुर जिला अस्पताल में महिला मरीज के साथ कर्मचारी की ओर से अश्लील हरकत और छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। घटना कोतवाली क्षेत्र के महिला अस्पताल की है, जहां राकेश नाम के वार्ड बॉय ने रात में अस्पताल में भर्ती महिला से सोते वक्त छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें की। इलाहाबाद में पुलिस का मानवीय चेहरा एक बार फिर देखने को मिला है। यहां पुलिस ने अपने एक मददगार को ही बुरी तरह से लातों से पीटा। सरेआम पुलिसकर्मी की ओर से की गई अमानवीयता हमारे कैमरे में कैद हो गई। नोएडा में बिल्डर जमकर लगा रहे हैं सरकारी खजाने को चूना। बिल्डरों ने रोक रखी अथॉरिटी की हजारों करोड़ की पेमेंट। 50 से ज्यादा बिल्डरों ने रोक रखी है 4,161 करोड़ रुपए की पेमेंट। समाचार प्रेस के पास डिफॉल्टर बिल्डरों की पूरी लिस्ट। आम्रपाली और यूनिटेक बिल्डर का सबसे ज्यादा बकाया। यूपी में महिलाओं पर आई अपराध की बाढ़ के बाद सुल्तानपुर पुलिस अब महिलाओं की सुरक्षा के लिए सजग हो गई है। पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जिले में चौपाल लगाकर लोगों को जागरूक करने की अनोखी पहल शुरू की है। महिला उत्पीड़न पर रोक लगाने को लेकर पुलिस अधीक्षक सोनिया सिंह ने कूड़े भार थाना क्षेत्र के गुप्तारगंज में एक चौपाल लगाकर लोगों को जागरूक करने की कोशिश की। यूपी सरकार यश भारती सम्मान से मेरठ की अलका को नवाजेगी। प्रदेश सरकार 9 फरवरी को मेरठ की बेटी का सम्मान करेगी। ओलंपिक को छोड़कर विश्व की सभी कुश्ती प्रतिस्पर्धाओं में ताल ठोकने और मेडल जीतने का कीर्तिमान अलका के नाम है।